نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا صدق الله العظيم वाजिब अल-एहतराम उलमाए किराम, मेरे हर दिल अजीज़ दोस्तों साथियों और तालिबुल इल्म भाइयों, मैं सबसे पहले उलमाए किराम का इंतहाई ममनून और शाकिर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ पर आकर सर्व किया और नमाज़े मगरिब के बाद से रात के 1:30 बजने वाले हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मैं इसी तरह आप तमाम दोस्तों का जो आज इस आखिरी आयात अजमत सहाबा के प्रोग्राम में शरीक हुए, जो तफसीर आयात अजमत सहाबा के अनवान से था, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखसूस वो तलबाए किराम और उलमाए किराम जो 8 दिन मुसलसल हमारे पास यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ रहकर 8 दिन हमारे साथ गुजारे, दूर दराज से तशरीफ़ लाए और बड़ी मोहब्बतों से उन्होंने ये 8 दिन गुजारे और बहुत कुछ अपने असातिज़ा से सीखा। मैं इसके साथ साथ अपने उन उलमाए किराम का जिनने तखस्सुस हमारे पास किया और पूरा साल हमारे इस जामिया में हमारे पास रहे असातिज़ा के साथ और असातिज़ा उनके साथ, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमने पूरी कोशिश की जब एक साल उनकी खिदमत कर सकें। यकीनन बहुत सारी खिदमत में कमी कोताही हुई होगी, मैं इस पर उनसे माजरत भी चाहूँगा और उन तलबा से भी जो 8 दिन यहाँ रहे उनके साथ भी अगर कोई कमी कोताही हुई हो मैं उनसे भी माजरत चाहूँगा। हमने कोशिश तो बहुत की कि आपको बहुत अच्छा माहौल दे सकें, उसके बावजूद हो सकता है कि ऐसी चीज़ कमी हुई हो, मैं आपसे उस पर माजरत चाहता हूँ। बिलखसूस ये तखस्सुस के तलबा से, चूँकि उनने पूरा साल यहाँ गुजारा है, आप 8 दिन वालों ने तो 8 दिनों में बहुत मज़े किए, इन बेचारों ने इतने मज़े नहीं किए। आपको 8 दिन में अल्लाह के शुक्र है हमारी इंतज़ामिया ने बहुत अच्छी खिदमत की है। बाज़ तलबा कहने लगे अगर पूरे साल ऐसी खिदमत हो तो हम जाने को भी तैयार नहीं, यहीं रहने को तैयार है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि पूरा साल ये सिलसिला नहीं है, ये बिरयानियाँ और ये कौरमे ये सिर्फ 8 दिन के साथ खास हैं जिस कोर्स में आपको तरकीब देने के लिए हम करते हैं। मैं अल्लाह का इस पर बहुत शुक्र गुजार हूँ, जितना शुक्र करूँ कम है। मुझे कभी कभी ये शर्मिंदगी होती है कि मुझ जैसा एक बहुत कम इलम और कम अमल इंसान जिसकी इस माशरे में कोई हैसियत नहीं है और आप तमाम लोग मुझसे हर लिहाज से इलम में अमल में बहुत आगे हैं और आपके पाँव के नीचे तो फरिश्ते पर रखते हैं, आपका तो मुकाबला ही नहीं है। अल्लाह ने मुझसे ये खिदमत ली, मेरे दिल में एक दाइया पैदा किया और एक ज़ोक पैदा किया और ये ज़ोक भी मेरे दिल में उस वक़्त पैदा हुआ जब मैं जेल की कालकोठरी में था और कैद तन्हाई में था और मैंने बाहर के हालात पर नज़र दौड़ाई और मैंने सोचा तो मेरे जहन में अल्लाह ने ये बात डाली कि हमने सहाबाए किराम की मदद हर सूरत में करनी है, बाहर के हालात कितने मुश्किल हैं, किन मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, हमारे साथियों पर क्या गुजर रही है, वो सारा नक्शा मेरे सामने था। हमने कहा ये सहाबा का दिफा तो हमने करना है, इसका ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जो गली गली हम इस पैगाम को आम करें और कोई सख्ती करने वाला और कोई रास्ता रोकने वाला हमारा रास्ता ना रोक सके और कोई कानून हमारे रास्ते में ना आ सके। उसके लिए मेरे दिल में आया कि तुम सहाबा किराम को कहीं और क्यों ढूंढते हो और तुम्हें फिक्र की क्या ज़रूरत है, तुम अल्लाह के कुरान में सहाबा को क्यों नहीं ढूंढते, सहाबा तो अल्लाह के कुरान में चमक रहे हैं और दमक रहे हैं और बोल रहे हैं और फिर रहे हैं और चल रहे हैं और अल्लाह के कुरान ने उनके हर हर नक्शे को महफूज किया हुआ है, इसलिए तुम कहीं और क्यों जाते हो। और मैंने इफ्तिताई तकरीब में भी ये कहा था कि सहाबा किराम एक महदूद जमाने के लिए नहीं आए थे, वो तो सारे जमाने के लिए आए थे, अगरचे रहे और एक महदूद जमाने में और ये महदूद रहने में जमाना महदूद रहने का जमाना ही उनका पूरी दुनिया के जमाने पर मुहित था। इसलिए आज इतनी सदियों गुजरने के बावजूद जब भी कोई मयार और मिसाल और बुनियाद तलाश करता है तो हम सामने सहाबा किराम करते हैं।
कोई नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पूछता है तो हम सहाबाए किराम के पास जाते हैं, कोई हुजूर का किरदार पूछता है तो हम सहाबाए किराम के पास जाते हैं, कोई पैगंबर की नमाज और रोजा और हज और जिहाद और जकात और सदकात और नेकियां और खूबियां और भलाइयां और अच्छाइयां और सिफात और नबी की जिंदगी और तर्ज और मईशत और माशत और तमतुन और अखलाक और नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न और जलाल और इलम और अमल और वजूद और उसकी खुशबू और चलन और गुफ्तार और नबी के सजदे और रुकू और क़याम और क़ुऊद का सवाल करता है तो कई और नहीं जाना पड़ता। जब भी हम जाते हैं तो सहाबा के दरवाजे पर जाते हैं, तो सहाबा के दरवाजे पर जाकर हम पूछते हैं, जब सहाबा हमें बताते हैं तो हमें नबी समझ में आते हैं, सहाबा हमें बताते हैं तो हमें कुरान समझ में आता है, सहाबा बताते हैं तो दीन समझ में आता है, सहाबा बताते हैं तो शरीयत समझ में आती है। तो सहाबा पूरी दुनिया के लिए एक नमूना उन्होंने बनना था और एक मयार और मिसाल बनना था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान में महफूज कर दिया और महफूज ऐसी किताब में किया जिसके शुरू में कह दिया नालिकल किताब लारे नबी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं है, ये कहकर कि सालिकल किताबू लारे नबी इस किताब में कोई शक और शुबा नहीं है, आगे कह दिया हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है किसके लिए, किसके लिए, मुत्तकीन के लिए, और आगे पे तफसीर शुरू कर दी, जो तफसीर शुरू की वही साहब है, और वो क्या शुरू की अल्लदीना यूमिनून बिल गैब व यकीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون, يعني یہ کتاب لا ریب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کتاب لا ریب ہے اس میں کوئی شک نہیں, شک ہو سکتا نہیں, شک کی کوئی گنجائش نہیں, ये मुत्तकीन की हिदायत के लिए, और ये कहकर का वो कौन है अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सला, सहाबा का तस्किरा शुरू किया जो ईमान लाए गैब पर और नमाज को कायम किया और खर्च करते हैं और उस चीज पर ईमान लाए जो उन पर आप पर उतरी और आपसे पहले पर उतरी, उलाइक और मुफ्लिहून। ये जो मैंने अभी आपके सामने सूरत पढ़ी है, ये जो हमने आयात जमा की है, इन आयात के लिहाज से सहाबा किराम के मुताल्लिक कुरान हकीम की ये आखिरी आयतें और ये दो आयतें, ये सूरह नसर है और ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है, और बाद हजरात ये कहते हैं कि फतह मक्का के बाद नाजिल हुई है, बाद कहते नहीं, ये फतह मक्का से पहले नाजिल हुई है और फतह से मतलब ही यहाँ फतह मक्का है, और मक्का मुकरमा की फतह के बाद को इतनी अहमियत से क्यों लिया गया है, इसलिए कि मक्का मुकरमा ये पूरी दुनिया का वस्त है और वहाँ बैतुल्ला है और इस पर तमाम की तमाम दुनिया की नजर थी, इसको अपने और बेगाने सब मानते थे और मुशरिकों ने भी अपने बुत इसी के अंदर रखे थे और इसी के अंदर रख कर इबादत करते थे, इसका फतह होना गोया काफिरों की इतनी बड़ी शिकस्त थी कि उनका मरकज खत्म हो गया और मुसलमानों का मरकज कायम हो गया, और ये अल्लाह का दारुसल्तनत था, यहाँ पर अल्लाह ताला का घर था और सबसे बुनियादी जगह यही बनी थी। जब ये फतह हो गया तो जो लोग मक्का मुकर्रमा में ये सोचते थे कि मुसलमान फाते नहीं होंगे या मुसलमान हाकिम नहीं होंगे या मुसलमान गलबा नहीं हासिल करेंगे, जब ये मक्का फतह हो गया और ये इनके पास आ गया और दुनिया के मरकज पर आ गए और वहां से बुतों को उठाकर बाहर फेंका तो उन्हें भी यकीन हो गया कि अब इस्लाम के फुकुआत को कोई रोक नहीं सकता। ये सूरत के वो आखिरी आते हैं जो सहाबा किराम के मुतालिक नाजिल हुई है, लेकिन यहां मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पूरी कुरान करीम की जो पूरी सूरत सबसे आखिर में नाजिल हुई है, सबसे आखिर में पूरी सूरत नाजिल होने वाली ये सूरह फतह है। किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहलत से 2 साल पहले ये सूरत नाजिल हुई है, किसी ने कहा कि 26 दिन पहले ये सूरत नाजिल हुई है, लेकिन इसके बाद कोई सूरत नाजिल नहीं हुई, हाँ आयतें नाजिल हुई है लेकिन पूरी की पूरी सूरत यही है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। नुज़ूल के हवाले से ये आखिरी सूरत है, और नुज़ूल के हवाले से जो पहली सूरत है वो सूरह फातिहा है, अगर से आयतें और पहले नाजिल हुई है लेकिन पूरी सूरत जो नाजिल हुई है वो सूरह फातिहा है। तो सूरह फातिहा को भी अगर आप पढ़े तो उसमें भी सहाबा का जिक्र है पहली सूरत में, और नुज़ूल के एतबार से आखिरी सूरत को आप पढ़े उसमें भी सहाबा का जिक्र, सूरह फातिहा में सहाबा का जिक्र कैसे, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा, कौन से लोग का रास्ता, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, इनाम याफ्ता लोग कौन है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिन
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یہ صدیقین کون ہیں یہ شہداء کون ہیں یہ صالحین کون ہیں آپ جانتے ہیں کون ہیں صحابہ تو پہلی پوری نازل ہونے والی سورت میں صحابہ کا ذکر ہے کہ ان جیسے رستے پر چلا اور وہ کون ہیں وہ صحابہ ہیں اور آخری سورت جو پوری نازل ہوئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بات مکمل ہو گئی ہے وہ بات کیا ہو گئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں جب یہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا وہ کام کیا ہوا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا باتیں بہت ساری تھی اور بہت ساری باتیں میں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت چونکہ بہت گزر چکا ہے علماء کرام نے صبح بہت سارے کام بھی کرنے آپ نے بھی کام کاج پہ جانا ہے مجھے تھکے ہوئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں اور مجھے ہاتھ باندھے ہوئے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں میں چہروں کو دیکھتا ہوں مجھے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ تھکا ہوا کون ہے اور غیر تھکا ہوا کون ہے میں سب چہرے پڑھ رہا ہوں تیزی پر چونکہ میں کچھ جان بوجھ کے دیکھ نہیں رہا تاکہ مجھے یہاں کوئی چہرے تھکے ہوئے نظر آئے نہ دیکھوں کہیں نہیں تو نظر ہی نہیں آئیں گے اس لیے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن جس جس کو میں نے دیکھا تھا ایمانداری سے بتا رہا ہوں سب کے چہرے سے جو وہ اداسی تھی وہ ختم ہو گئی ایک دم سے ختم ہو گئی باندھے ہاتھ چھوٹ گئے اور طرح سے بیٹھے لوگ ٹھیک طرح سے بیٹھ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں سے بھی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف کتنے لوگ رہ گئے تھے پانچ کتنے لوگ رہے تھے پانچ یہ ان کا عقیدہ ہوتا تھا جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ صاحب کہتے ہیں ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں بھائی ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں کون سے کو مانتے ہو تو پانچ کا نام لیتے ہیں کتنوں کا پانچ کا نام ہے ہم پانچ کا نام نہیں لیتے ہم تو کہتے ہیں ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا سبحان اللہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں تمہیں بتا رہا ہوں پانچ نہیں کیا بتا رہا ہوں پانچ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں او ظالموں پانچ نہیں یدخلون فی دین اللہ افواجا یہاں تو قبیلے کے قبیلے یہاں تو علاقوں کے علاقے یہاں تو بستیوں کی بستیاں یہاں تو فوجوں کی فوج یہاں تو جوگ در جوگ کافروں کی صورت میں آنے شروع ہو گئے کبھی ایک تھا دو تھے تین تھے چار تھے دیکھنے والا دیکھ کر کے رہا تھا یہ فاتح کیسے ہوں گے یہ کامیاب کیسے ہوں گے یہ کامران کیسے ہوں گے ان کو فتوحات کیسے ملیں گی یہ کامیابی کے مناظر پہ کیسے جائیں گے مکہ سارا مخالف سردار سارے مخالف وڈیرے سارے مخالف سرمایہ دار سارے مخالف طاقتور ایک طرف قوت والے ایک طرف یہ سارے ہی لوگ ایک طرف کریں یہ تنے تنا اکیلے مفلوق الحال بھوکے پیاسے غلامی کی زندگی گزارنے والے یہ کیسے فاتح ہوں گے اور کیسے فتح حاصل کریں گے کہ یہ فکر کی بات تمہاری نہیں ہے ان پر تو اللہ کی مدد ہے اذا جاء نصر اللہ جس بات پہ شک تھا نا وہ پوری ہو گئی آ گئی متا کی صورت آ گئی فتح کی صورت آ گئی مکہ فتح ہو گیا وہ دیکھو قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں یہ جو پانچ کا نظریہ رکھے بیٹھے تم بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو تمہاری حیثیت کیا رہی سورہ نصر کو پڑھو اور سورہ نصر کو پڑھ کر فیصلہ کرو ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا قرآن کہتے ہیں فوج در فوج آئے قافلے در قافلے آئے قبیلے در قبیلے آئے اور تم ظالموں کہتے ہو پانچ رہے بھلا پانچ کو فوج کہا جاتا ہے اگر تم یہ کہو پانچ رہ گئے تو تم سے پوچھتا ہوں پھر خیبر
احد، حنین، یرموک، بدر کے میدانوں میں آنے والے پانچ تھے؟ پوچھی حضور علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ دے رہے تھے، پانچ تھے؟ ارے چھوڑیے، یہ کہیں گے مولوی صاحب ہم تو پہلے کی باتیں کرتے ہیں، آپ بعد کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں پہلے تھے، بعد میں نہیں تھے۔ میں نے کہا بعد میں پانچ نے مکہ فتح کرتے، بعد والوں نے جو ہے پانچ تھے جنہوں نے مکہ سے باہر علاقے فتح کیے، 11 لاکھ مربع میل پہ پہنچے یہ پانچ تھے، 22 لاکھ مربع میل پہ پہنچے یہ پانچ تھے، 44 لاکھ مربع میل پہ پہنچے یہ پانچ تھے، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، بتاؤ یہ پانچ تھے؟ یہ پانچ تھے۔ اور میں ایک بات آپ کو اور کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن انبیاء کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے ان کی تعداد تھی 1.25 لاکھ، کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے بعد آپ تشریف لائے، اور آپ کے بعد جن صحابہ کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ نبی کے اور 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ نبی تک جو لوگ دین لے کر آئے وہ نبی کے، حضور تک لائے گویا 1.25 لاکھ نبیوں کی تبلیغ حضور کے پاس ہے، اور حضور کی تبلیغ 1.25 لاکھ صحابہ کے پاس ہے، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے وہ دین کی تبلیغ اٹھائی، اور تابعین اور تبع تابعین اور مومنین اور مسلمین اور فوجی اور علاقے فتح کرتے کرتے آپ کابل تک، کندھار تک اور پشاور تک آپ پہنچے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جو اپنے مکہ اور مدینہ سے نکل کر دنیا تک پہنچے وہ کون تھے؟ صحت کے لیے دعا گو بھی ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، انہوں نے اس تفسیر کو میرے کہنے پر اور میری خواہش پر پورا کیا اور لکھا۔ اس سے پہلے یہ تفسیر مولانا ثناء اللہ صاحب شجاعبادی صاحب، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے اس کو 3 جلدوں میں لکھا ہوا ہے، وہ ذرا تفصیل سے ہے، ہم نے اس کو تفصیل سے کم کر کر آپ تک پہنچانے کے لیے اسے آپ تک پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اساتذہ کرام نے، علماء کرام نے بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ ساری آپ کو پڑھائی ہے، اور اس پر آپ کو جو ہے بھرپور جو بحثیں ہیں وہ کی ہیں، اور آپ کو دلائل دی ہیں، اور دلائل دے کر آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ جن شخصیات کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن نے یہ سب کچھ کہا ہے، اور 1236 آیاتیں ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب آپ لوگوں نے انداز بدل دیا، پہلے آپ کافر کافر کہتے تھے، آپ نہیں کہتے۔ میں نے اسے جواب میں کہا، پہلے لوگ کافر کافر کہتے تھے 3 مرتبہ، ہم نے انداز ذرا بدل دیا ہے، ترقی کر لی ہے، ہم قرآن پڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں وہ 3 مرتبہ نہیں 1236 مرتبہ کافر ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا دشمن قرآن کی ایک ایک آیت کا انکار کرے تو کافر ہے، 1236 مرتبہ کافر ہے۔ حرف بھی ہیں، لفظ بھی ہیں، جملے بھی ہیں، ان کی تشریحات بھی ہے۔ علماء سے کہتا ہوں میرے حساب ذرا کمزور ہے، آپ حساب لگا کر بعد میں گن لینا کہ کتنی مرتبہ ہے، اور جو بہت مرتبہ ہو جائے اسی بہت مرتبہ کو کہا جاتا ہے یہ کائنات کا غلیظ ترین اور بدترین ہے، بے شک اسی کو پہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی نہ کہے کہ یہ چھوڑ دیا کر دیا، ہم ان آیات کے ذریعے گلی گلی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ اتنی کم مدت میں ہم جیسے لوگ ایک چیز شروع کریں گے اور اس حد تک جائے گی۔ آپ اس محبت کے ساتھ آئے ہیں، میرا آخری پیغام آپ کے لیے کہ آپ نے گلی گلی اس بات کو عام کرنا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی آئندہ سال ہم ملک کے مختلف بڑے شہروں میں آیات عظمت صحابہ کی تفسیر پڑھائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہر شہر کے اندر ایسے میلے لگیں گے، ایک وقت آئے گا جب ہر مسجد کے اندر ہم اسے عام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ جو ہم نے شروع کیا وہ حکایت صحابہ کا ہے، اور وہ حکایت صحابہ ہم چاہتے ہیں ہر ہر گھر میں اس کی تعلیم ہو، کیا آپ اس کو عام کریں گے؟ اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کریں گے، انشاءاللہ اس کی تعلیم بھی ہوگی، اور وہ صحابہ بات کی آج کی بات ہو گئی، اتنی بات ہو گئی کہ مجھے اب وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کر لیا تو میری مغفرت کے لیے وہ صحابہ بھائی کافی۔
और मैं अपने दुश्मन से और साहबा के दुश्मन से आकर मैं बात कहना चाहता हूँ, तुम जितना लाख जोर लगा लो, जितना भी जोर लगा लो, तुम जितना जोर लगा लो, तुम कर कुछ नहीं सकते। तुम्हारे बस से बात बाहर हो गई है। अब बच्चा बच्चा और जवान और बूढ़ा, बल्कि आपके अपने लोग भी ये नारा लगाने पर मजबूर हो गए। हमने पूरे साल इनको अध्याने बादला पर बहुत खूबसूरत किस्म के उन्वानात पढ़ाए। मुफ्ती सलीमुल्लाह साहब, अल्लाह ताला की जिंदगी में बरकत दे, और मुफ्ती शकील हैदरी साहब, हमारे पूरे जामिया के मुंतजमीन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मौलाना वसीम साहब, मौलाना इमरान साहब, मौलाना शुएब साहब, मौलाना सिद्दीक साहब और मौलाना शहजाद साहब, मौलाना एहसान साहब, तमाम किसी का नाम रह भी जाए तो मैं माजर चाहूँगा। इन सब ने बड़ी मेहनत के साथ इस 8 दिनों को, वो मैं जब भी आया इनको मेहनत में देखा और उन्होंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए ये प्रोग्राम सजाया और आपको पूरी सहूलियात दी है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन कराम से जो इस साल मदारिस से फाजिल हुए, और वो एक साल उनका कहीं ना कहीं गुजर ही जाएगा, मैं उनको दावत देता हूँ हमारे पास तशरीफ लाइए। हम आपको एक साल के अंदर आपको ऐसे दलायल देना चाहते हैं और ऐसे दलायल से मुजयन करना चाहते हैं कि दुश्मन जिधर से भी आए आप दलील की सूरत में उसके सामने खड़े होंगे, और इंशाल्लाह लजीज हमारी जिंदगी रही, और अगर हम न भी रहे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लामा हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये शुरू किया हुआ तरीका और ये सोच बोलना आजम तारिक शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की, जिन्होंने अपनी आखिरी उम्र में शुरू की थी सोच को, फिर उसको अमली जामा हज़रत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पहनाया था। मैंने उन्हीं की तालीमात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के उनको पुरानी तालीमात के सांचे में डाल के एक साल का तखस्सुस का सिलसिला शुरू किया है। मैंने उलमा से गुजारिश है वो अपना वक्त दें और साल बाद देखें जिन लोगों ने 8 दिन दिए वो भी अपना मुआसबा कर लें कि 8 दिनों के बाद उनकी कैफियत क्या है, और जो साल बाद है उनको भी आप सुन लें और देख लें उनकी कैफियत क्या है। इंशाल्लाह लजीज वो दुश्मन को ऐसा लाजवाब कर देंगे कि दुश्मन छुपता भरेगा, और इसकी ताज़ा मिसाल हमारे मदरसे से फुजला मौजूद हैं जिन्होंने जवाब दिए, खून मौजूद है, टेलीफोन काले मौजूद हैं, उनके दलाल मौजूद है, वो उनको फोन करके कह रहे हैं कि हमने तुम्हें अपने दलाल दिए इसका जवाब दो, और वो जवाब ना दे सके, जवाब ना दे सके, नंबर बंद कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, रबते में नहीं आए, बात करनी छोड़ दी। इसका मतलब है जिनके पास दलील होती है वो बात करना छोड़ते नहीं है। इंशाल्लाह नसीब हमारे ये शख्स तुम्हारा ताकुब करेंगे, हमारे ये लोग तुम्हारा ताकुब करेंगे, तुम्हारे घरों तक आएंगे, और इंशाल्लाह तुम अपने घरों से दलायल न होने की वजह से बाहर नहीं निकल सकोगे। बात सिर्फ हमारे लोगों की नहीं होगी, हम ये कोशिश करेंगे। मैंने कई जगह कहा शिया जवानों तुम ये बताओ अपने बड़ों से पूछो, आज तक उनने कोई बात अपने बड़ों से पूछ कर नहीं बताई। इसका मतलब ये है कि वो बेचारे पूछते तो हैं लेकिन उनके बड़े बेईमान जवाब नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि उनको हमारे सवालों का जवाब आता नहीं है, इसलिए नहीं आता कि हमारे पास अल्लाह का कुरान है। पर अल्लाह के कुरान के मुकाबले में कोई क्या जवाब देगा? वो जहां से आएंगे हम साहबा की इस अज़मत पर कुरान को खड़ा कर देंगे और कुरान की सुध आगे कर देंगे, आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुरान की तलवार मौजूद होगी, ये उन्हें फारिग कर देगी कि तुम मुसलमान नहीं हो, सभी कुछ हो, इसलिए कि कुरान के मुनकर हो। तो आप हज़रात को साल में दें ताकि आप मेहनत करके आपको आगे बढ़ा सके। आप ये देख रहे हैं ये मदरसे के ऊपर जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, हमने यहाँ एक लाइब्रेरी बनाई है। हमारी ख्वाहिश है कि दुनिया भर में हर लिखी जाने वाली किताब यहाँ मौजूद हो और हमारे तखस्सुस में आने वाले तालिबे इल्म इन किताबों को वहीं देखकर पढ़ें और वहीं से हवाले दें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफी सारा काम हो रहा है, लेकिन ऊपर आप देख रहे हैं ये दो खिड़कियां खुली हुई है इस तरफ और दो खुली हुई है उस तरफ और दो खुली हुई उस तरफ, और इनके ऊपर छत नहीं है, इस तरह उस तरफ है उसके ऊपर भी छत नहीं है। हमारी कोशिश है कि इनके साथ जब तखस्सुस के अलावा हमारे पास आए तो ये छतें डली हुई हों या कमरे बने हुए हों और हम इनकी हिफाजत का और रिहाइश का मखसूस और अजीम बंदोबस्त कर सकें। इसके साथ साथ हम दारुल कुरान की तामीर करना चाहते हैं कि दारुल कुरान का हमारे पास हिफ्ज की 3 क्लासें और आइंदा तक हमें ये 5 करनी पड़ेगी, इसलिए कि दाखिलों के लिए बहुत सारे लोग हमसे रब्ते कर रहे हैं। उस दारुल कुरान की भी हमें शदीद जरूरत है। मैं आपको इस तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, चंदा शंदा नहीं मांगना चाहता, ना मैं आपसे लेना चाहता हूँ, कोई अभी देगा तो मैं लूंगा भी नहीं और आप लेंगे तो गिरेगा भी नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जरूरत भी नहीं है और आप दे भी ना दे तो फेंकते भी नहीं है, क्यों जाया भी नहीं होता। ये बता रहा हूँ कि आप यूं
इस तरफ तवज्जो करें और दुआ करें। मैं समझता हूँ आपके दुआओं से ये सिलसिला चलता रहेगा। जितना काम हमने किया है ये हमारी इस हिस्से में नहीं लगे इतना कर जाएंगे, लेकिन आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है काम हो गया है। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने पूरा साल हमारे साथ गुजारा, हम आपकी खिदमत नहीं कर सके, मैं इस पर आपसे माजत भी चाहता हूँ। और जो हमारे पास कलम आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा साल भी ये कोर्स होगा और ये कोर्स 8-9 दिनों का जो है वो वफाकुल मदारिस के इम्तिहान के फौरन बाद होता है, तो अब अभी से उसकी तब्दील करना शुरू कर दे। जिन बच्चों ने यहाँ पढ़ा है मैं उनसे पूछता हूँ क्या उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ, हाथ खड़े करके ईमानदारी से बताओ हुआ या नहीं हुआ, हुआ है फायदा, आपके इल्म में इजाफा हुआ या नहीं है। अगर चीज याद आपने पहले भी पढ़ी थी लेकिन जिस जावी और जिस अंदाज से यहाँ पढ़ाई गई है पहले आपने इस तरफ सोचा था, आपके पास दलाल आ गए तो आपके दलाल लोगों तक पहुंचाएंगे। रमजान के महीने में खूब मेहनत करेंगे, कोई घर ऐसा ना जाए जान ना हो जहां तक आप अल्लाह के कुरान को और अल्लाह के कुरान में सहाबा-ए-किराम को ना पहुंचाएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका मेरा शुरू। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।